Hello, good morning to all of you. Very warm welcome to all of you on An Academy SSC JEE. अपने An Academy के SSC JEE चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं देवेंद्र नायक आपका स्वागत करता हूँ. ठीक है, अभी अपन सर्वे की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं. सर्वे की सीरीज के अंदर अपन ने कुछ चार पांच चैप्टर पढ़ लिए हैं. इसके अपन ने फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग पढ़ लिया है, लीनियर मेजरमेंट पढ़ लिया है, उसके बाद में कंपास सर्वेइंग पढ़ चुके हैं, थियोडोलाइट पढ़ चुके हैं, ट्रेवर्सिंग पढ़ चुके हैं और अपना लेवलिंग वाला पोर्शन चल रहा है. लेवलिंग के अंदर अपना कुछ पोर्शन कंप्लीट हो कवर अप हो चुका है, जिसमें है अपना लेवलिंग का बेसिक पढ़ लिया था, लेकिन कल किसी प्रॉब्लम आने की वजह से क्या है क्लास अपनी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए कल के सेशन को रेस्ट ऑफ द सेशन को आज शिफ्ट किया गया है. ठीक है, तो अपने लेवलिंग पढ़ चुके हैं और लेवलिंग का कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ. देवेंद्र नायक, बीटेक एमटेक विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. ठीक है, फिर अपन को एज यूजुअल क्या करना है, अन अकेडमी की लर्निंग ऐप. अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए क्या है कि अन अकेडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है. लर्निंग ऐप से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल कर लेना. इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन मांगेगा. लॉगिन आप किसके थ्रू, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको लॉगिन कर सकते हो. लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है. गोल सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. सब्सक्रिप्शन आप किसी भी मंथ का ले सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ, 24 मंथ. ठीक है, जो भी आप लोगे आपको जितना सस्ता पड़े वो ले लेना. जैसे 12 मंथ हो गया, 24 मंथ हो गया, तो इसके साथ साथ आपको क्या मिल सकता है, 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है. और तो डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एक रेफरल कोड यूज करना होगा. मेरा रेफरल कोड है देवन10, DEVEN10, जिससे आपको क्या होगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो डिस्काउंट लेने के बाद में आपको क्या, प्रोसीड टू पेमेंट, यूज एनी मेथड ऑफ द पेमेंट. ठीक है, तो वाई अन अकेडमी. ठीक है, अन अकेडमी क्या है, हमारे यहाँ पे 30+ बैचेस चल रहे हैं. 30+ बैचेस चल रहे हैं, 40,000+ का रिकॉर्डेड कंटेंट है हमारे पास. 300+ डेली क्लासेस होती है हमारी, लाइव क्लासेस होती है यूट्यूब प्लस अन अकेडमी के ऑफिशियल ऐप पे, और 20,000 अप्रोक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. 70+ एजुकेटर है, जिससे क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी और से पढ़ सकते हो, किसी और का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से, तो कंपैरिजन बहुत, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है. ठीक है, सबसे बेस्ट चीज है मेरी नजर में. और दूसरी बेस्ट चीज ये है, जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस करोगे उतना ही सिलेक्शन के नजदीक जाओगे, ट्रस्टेड ओवर द 98% ऑफ द SSC एस्पिरेंट. ठीक है, तो अब अपन ने क्या कर लिया था, यहां तक आ गए थे, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग देख लिया था, लीनियर मेजरमेंट देख लिया, कंपास देख लिया, थियोडोलाइट देख लिया, ट्रेवर्सिंग और अपना लेवलिंग वाला पोर्शन चैप्टर नंबर 6 चल रहा है लेक्चर नंबर 10 के साथ. ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर क्या क्या देखा था, एक के साथ में क्विक रिविजन करेंगे विद इन 5 मिनट्स और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो लेवलिंग क्या था, 2 पॉइंट्स के बीच में एलिवेशन डिफरेंस फाइंड आउट करना क्या कहला रहा था, लेवलिंग कहला रहा था. और लेवलिंग जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे थे उसे डेटम कह रहे थे, और डेटम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे फाइंड आउट किया जाता है. डेटम वो पॉइंट है जिसका एलिवेशन हमें क्या हो, ऑलरेडी नोन हो, और वो एलिवेशन क्या, रिड्यूस लेवल कहला रहा था. रिड्यूस लेवल किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, MSL. MSL ऑफ इंडिया कौन डिसाइड करता है, सर्वे ऑफ इंडिया. और सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून. ठीक है, और ऑल वर्ल्ड में RBNC के अंदर ही MSL ऑफ द इंडिया डिसाइड किया जाता है, और MSL ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, और हेड क्या, MSL ऑफ इंडिया कौन सा है, बॉम्बे पोर्ट है, और बिफोर डिवीजन क्या था, कराची पोर्ट था. ठीक है, और ये क्या है, एवरेज 19 ईयर की एवरेज टाइड हाइट को लेकर मेजर किया जाता है. फिर था आपने लेवल सरफेस देखा था, वर्टिकल लाइन एलिवेशन क्या था, कि वर्टिकल हाइट का डिफरेंस एल्टीट्यूड क्या था, कि वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट अबव MSL से, जिसे रिड्यूस लेवल भी कहते थे. वर्टिकल लाइंस क्या थी, किसी भी लेवल सरफेस के ऊपर प्लम्बम लाइन डालते हैं तो वो क्या है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, सेंटर के अर्थ से पास होती है, तो उस लाइन को क्या कहते रहे थे हम, वर्टिकल लाइन कहला रहे थे. फिर उसके बाद में अपने बेंचमार्क्स देखे थे, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द बेंचमार्क, GTS बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क एंड आर्बिटरी. GTS क्या था, कि MSL ऑफ इंडिया में हर बार अगर मुझे सर्वे करना है, यहाँ राजस्थान में बैठ के, जयपुर में बैठ के सर्वे करना है, तो मैं, ये तो है नहीं कि उसका रेफरेंस लेने के लिए बॉम्बे जाऊंगा. तो उससे क्या है, वाइल्ड स्पेस पे सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है, कि उसके रिस्पेक्ट में
बेंचमार्क स्टेब्लिश कर देती है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे जीटीएस बेंचमार्क कहलाते हैं, ठीक है, जिसे जियो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क कहते हैं, ठीक है, ये एमएसएल ऑफ के। अब मान लो कि मैंने राजस्थान के अंदर एक कर दिया, पंजाब के अंदर दो कर दिए, कहीं यूपी के अंदर तीन कर दिए, तो अब वो वाइल्ड स्पेस पे तो कर दिया, उनके रिस्पेक्ट में भी नजदीक नजदीक क्या हो गया। अब अगर मुझे राजस्थान का कहीं जोधपुर में स्टेब्लिश कर दिया है और मुझे राजस्थान के कहीं किसी भी दूसरे इलाके के अंदर करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में परमानेंट बेंचमार्क और स्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारा परमानेंट बेंचमार्क कहलाएंगे। वो किस कौन डिसाइड करते हैं, या तो सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी या वहां की लोकल पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या करता है, स्टेब्लिश करता है, ठीक है। फिर आता है थर्ड, आता है टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है कि जनरली हमें नेक्स्ट डे वर्क स्टार्ट करना है, तो आज का वर्क जहां पे एंड कर रहे हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कि कल मैंने यहां पे खत्म किया था और आगे वर्क मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, तो इसके लिए एक बेंचमार्क बनाया जाता है, उसे कहते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क, ठीक है। फिर आता है आर्बिटरी बेंचमार्क। आर्बिटरी बेंचमार्क है, दीज आर द बेंचमार्क हुज एलिवेशन आर आर्बिटरी अज्यूम फॉर द लेवलिंग ऑफ द स्मॉल वर्क। जैसे मैंने बताया था कि मेसन जब फ्लोर लेवल निकालता है तो वो क्या करता है, एक कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट बनाता है, तो उस हिसाब से क्या है, अपनी सुविधा के अनुसार से एज पर आवर रिक्वायरमेंट क्या है, अपन अगर बेंचमार्क स्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो क्या कहला रहे हैं, हमारे टेम्परेरी बेंचमार्क कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखे थे मेथड ऑफ लेवलिंग, पहला था डायरेक्ट लेवलिंग, सेकेंड था ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग या इनडायरेक्ट लेवलिंग कह सकते थे। डायरेक्ट लेवलिंग में अपन क्या कर रहे थे कि स्प्रिट लेवल को फ्लोर पे रखा और बबल देखा सेंटर पे है तो हमारा लेवल में फ्लोर अदरवाइज नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे, हमें एलिवेशन डिफरेंस निकालना है लेकिन हम डायरेक्ट एलिवेशन डिफरेंस नहीं मेजर कर, अपन क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस एंगल मेजर कर रहे थे, जिससे हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, एच इज इक्वल टू क्या आ रहा था, डी टेन थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ निकाला था ना अपन ने, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर था बैरोमेट्रिक लेवलिंग, हाइप्सोमेट्रिक। बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या थी कि जब हाइट के साथ में बढ़ते हैं तो प्रेशर क्या होता है, अपना डिक्रीज होता है, तो डायरेक्टली उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और हाइप्सोमेट्री में क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। फिर आ रहा था अपने पास डायरेक्ट लेवलिंग के मेथड, एक तो डिफरेंशियल लेवलिंग था। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या है, दो पॉइंट्स ले ले दिया, एक बार इस पॉइंट का इस पॉइंट में, इन आपस में इन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल लेते थे और उनकी एवरेज वैल्यू लेके चल रहे थे, ठीक है, तो उसे कह रहे थे हम डिफरेंशियल लेवलिंग। फिर था प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग क्या है, किसी भी ग्राउंड की प्रोफाइल इंडिकेट करने के लिए या बनाने के लिए, पेपर पे बनाने के लिए उसे लेवलिंग करते थे, उसे क्या कहते थे हम प्रोफाइल लेवलिंग कहते थे, ठीक है। फिर था क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग क्या है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट और राइट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, अपन कोई भी पॉइंट्स का लेवल निकाल रहे हैं। कन्हैया नाल डागला, ठीक है, थैंक यू कन्हैया। फिर आता है रेसिप्रोकल, सॉरी क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग का, किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहे तो लेफ्ट राइट के अंदर अपना जो भी पॉइंट्स आ रहे थे उनको इंडिकेट करने के लिए जो लेवलिंग कर रहे थे वो क्या कहला रही थी, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग कहला रही थी। उसके बाद में था रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है कि इन दिस मेथड क्या करते हैं अपन कि जहां पे बीच में स्टेशन एस्टेब्लिश करना क्या हो, पॉसिबल ना, कि इट इज द मेथड ऑफ लेवलिंग इन विच द डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय द टू सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन व्हेन नॉट पॉसिबल टू सेट अप द लेवल बिटवीन टू पॉइंट। जब दो पॉइंट्स के बीच में लेवल या इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना क्या हो, पॉसिबल ना हो, तो उनके रिस्पेक्ट में जो लेवलिंग करते हैं वो रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार फिर देख लो, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या थी, यहाँ पे ऊपर की साइड में बता रहा हूं कि एक पॉइंट यहां था, ये कोई रिवर थी, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना क्या था, पॉसिबल नहीं था, इसलिए अपन ने क्या किया, एक स्टाफ एक इंस्ट्रूमेंट यहां लगा लिया, एक इंस्ट्रूमेंट यहां लगा लिया, इस इंस्ट्रूमेंट से यहां पे एक रीडिंग ली, उस रीडिंग का नाम दे दिया अपन ने A1, और यहाँ पे एक रीडिंग ली उसका नाम दे दिया B1, फिर यहां से इस पे ली उसका नाम दे दिया, यहां से पहले इस पे ली उसको दे दिया A2, और इस पे लिया उसको नाम दे दिया B2, तो उसका एलिवेशन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा 1/2 ऑफ द A1 माइनस में A2 प्लस में B1 माइनस में B2 का एवरेज, ठीक है।
तो वो क्या कहला रही थी, हमारी रेसिप्रोकल लेवलिंग, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, ठीक है। फिर प्रेसाइज लेवलिंग, व्हेन द हाई एक्यूरेसी डिजायर्ड, तो दिस काइंड ऑफ द लेवलिंग इज कॉल्ड प्रेसाइज लेवलिंग, जहां पे हमें एक्यूरेसी डिजायर क्या हो, बहुत ज्यादा हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारी प्रेसाइज लेवलिंग, और जहां लिस्ट हो वो क्या कहलाएंगे, हमारी फ्लाई लेवलिंग कहलाएगी। और चेक लेवलिंग क्या होता है, नॉन एलिवेशन को क्रॉस चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब देखी थी, 412.53 अपॉन में आर अपनी सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब आई थी। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इज अफेक्टेड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू में, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेडियस और इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, और साथ में डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी डिक्रीज कर देंगे और रफनेस ऑफ द वॉल भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे, क्या है प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग। प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग में क्या करते हैं अपन, हमें दो पॉइंट्स के बीच का क्या है लेवल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, क्या है कि ये अपना पास कोई भी एक पॉइंट है, इन पॉइंट्स के ऊपर अपन ने यहां पे इंस्ट्रूमेंट लगाया, और एक पॉइंट ये था अपना और एक पॉइंट ये था। अब इसके ऊपर लाइन ऑफ साइट तो क्या रहेगी, हमेशा ओरिजेंटल रहेगी। इनके ऊपर कुछ रीडिंग आई, इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर माना कि 2.100 आ गई और इसके ऊपर आ गई अपनी 1.5 आ गई, ठीक, क्लियर। अब हमें क्या है, इस पॉइंट का एलिवेशन आरएल क्या है, गिवन है, नोन होगा, ठीक है, क्लियर सी बात है। चलो ये इसका आरएल का एक बार छोड़ दो। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, एलिवेशन डिफरेंस निकालना है। तो एलिवेशन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास, अगर हमारे पास ये हाइट आ जाए, ये हाइट आ जाए, ठीक है, तो मैं मुझे पता चल जाएगा कि ये हाइट इतने हाइट इतने एलिवेशन पे, मानवेंद्र सिंह शेखावत, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो क्या है कितनी हाइट के ऊपर है ये पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूं, ए पॉइंट माइनस बी पॉइंट की रीडिंग कर दूंगा। तो अब मैंने क्या किया, 2.100 माइनस में 1.5 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 0.600 मीटर आ गया। तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, एलिवेशन का डिफरेंस कितना है, 0.600 मीटर। दीपक कांटेवाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपक, ठीक है। चलो ये तो था एक बेसिक सा चीज, अब बातें हैं राइज एंड फॉल मेथड क्या है, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग क्या है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग ये तो एक तो क्या था, ये अपनी बहुत ही बेसिक सी चीज थी, ठीक है। पहले अब मैं आगे यहाँ पे पहले आपको प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में राइज एंड फॉल मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो पहले प्रोसीजर ऑफ लेवलिंग देख लो कि हमारे पास ऐसा कुछ एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर हमें बट नवाज, पुष्पेंद्र सिंह, हाय सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, भावना खंगवाल, गुड मॉर्निंग शिव कुदा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बट साहब तो पुराने हैं, पुष्पेंद्र सिंह यार तो पहले भी आया हुआ है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिव कुदा, भावना कांगवाल, ठीक है। चलो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो अभी देखते हैं अपना लेवलिंग का प्रोसीजर क्या है। लेवलिंग में क्या करते हैं कि हमारे पास लेवलिंग किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में की जाती है। हमें पहले से मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में की जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं डेटम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, डेटम। और इस डेटम का हमें एलिवेशन हमें पता होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड पता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस लेवल कहते हैं, क्या कहते हैं, रिड्यूस लेवल या आरएल कहते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर यहां पे अपन ने क्या कर लिया, एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, और ये अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस थी, ठीक है, और यहां पे एक रीडिंग बैक साइड मिली, ठीक है, पीछे की तरफ रीडिंग ली और उस रीडिंग को बोल दिया बीएस। बीएस का मतलब कौन सा होगा, बैक साइड रीडिंग, क्योंकि पीछे की साइड में ली। अब सारी की सारी रीडिंग क्या है, अपन आगे की तरफ लेके चल रहे हैं, तो उनको क्या बोल सकता हूं मैं, फोर साइड बोल सकता हूं, ठीक है, क्या बोल सकता हूं, फोर साइड बोल सकता हूं, क्लियर है। अब मैंने क्या किया कि यहां पे एक रीडिंग ली, कुछ
एक रीडिंग यहां पे ली, एक रीडिंग यहां पे ली, एक रीडिंग यहां पे ली। यहां पे लेने के बाद में मेरे क्या हुआ, मुझे यहां पे जो आगे की रीडिंग ले रहा था ना, उस रीडिंग में मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट दिखना क्या हो गया, ये स्टाफ दिखना बंद हो गया। तो मैंने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को यहां से उठाया और इनके बीच में स्टेब्लिश कर दिया, यहां पे लाके स्टेब्लिश कर दिया। अब मुझे पता है कि मुझे पीछे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखनी है, तो यहां पे मैं वापस से एक बैक साइड रीडिंग लूंगा। अब बात आती है कि ये सारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, ठीक है, तो लेकिन क्या थी, इस पोजिशन से, पोजिशन ए से हमारी ये लास्ट रीडिंग थी, तो इस लास्ट रीडिंग को मैंने बोल दिया फोरसाइट। क्या बोल दिया, फोरसाइट रीडिंग बोल दिया। और बीच में जितनी भी रीडिंग थी उनको बोल दिया इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट साइट बोल दिया, आईएस बोल दिया, ठीक है, इंटरमीडिएट साइट बोल दिया, क्लियर होगी, ठीक है। अब यहां पे आने के बाद में इसी पॉइंट के ऊपर मैंने दोबारा से रीडिंग ली, तो ये पॉइंट इस पोजीशन बी के लिए ये क्या बन गया, बैक साइड रीडिंग बन गई, और ये फिर आगे की इंटरमीडिएट साइड बन गई, ये इंटरमीडिएट साइड बन गई, और ये लास्ट क्या चली जाएगी, अपनी फोर साइड में चलेगी, ये अपनी क्या होगी, फोर साइड होगी, ये बीच वाली तीनों क्या होगी, आईएस होगी, क्लियर, ठीक है, इतनी सी पॉइंट। और जिस पॉइंट पे आके अपन ने यहां पे इसकी पोजीशन बदली, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाया, चेंज पॉइंट कहलाया, क्या कहलाया, चेंज पॉइंट कहलाया। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये तो था उसका जनरल प्रोसीजर कि लेवलिंग करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, रीडिंग नोट करते गए, ठीक है, जहां से अपना दिखना बंद हो गया चले गए वापस, और उसको फर्स्ट रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए अपन फोर साइड के ऊपर क्या करते हैं, दोबारा से बैक साइड रीडिंग लेते हैं, और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बैक साइड रीडिंग बोलते हैं, क्लियर होगी, इतनी सी बात। अब इसमें अब आते हैं अपने राइज एंड फॉल मेथड। ये तो क्या था, जनरल प्रोसीजर था, पीछे की स्लाइड पे क्या था, पिक्चर लगा रखी थी अमर यादव, यादव साहब दो दिन बाद में दिखाई दिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, हमारा चेंज पॉइंट कहलाया, शाबाश। अब इसके बाद में अपन देखते हैं राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल के अंदर अब तुम्हें इतना याद रखना है, राइज एंड फॉल एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई अब की बार 19 का एसएससी मेंस देगा, तो ये मान के चलना कि फर्स्ट चॉइस अगर कहीं से बनती है मेंस के लिए, तो राइज एंड फॉल मेथड से ही बनती है, ठीक है। फर्स्ट चॉइस कन्वेंशनल के लिए कहां से बनती है, राइज एंड फॉल मेथड से बनती है, क्लियर होगी इतनी सी बात, ठीक है। या मंथी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, सर्वे के अंदर अगर कोई बंदा मेंस का पेपर बना रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं, पहली चॉइस बनेगी राइज एंड फॉल, ठीक है। दूसरी चॉइस बनेगी कंपास के अंदर प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास का डिफरेंस, लेवलिंग के अंदर कौन सा, राइज एंड फॉल एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और कंपास के अंदर क्या बनेगी, कौन सी चॉइस बनेगी अपनी, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास का डिफरेंस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देन उसमें से कंपास के अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बन सकता है, डेजिग्नेशन बियरिंग का पूछ ले अगर छोटा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपने कर्व से 101% क्वेश्चन बन सकता है, और रेस्ट ऑफ दी बन सकता है थियोडोलाइट से। ये कुछ पार्ट है जहां से प्रायोरिटी फिक्स रहती है कन्वेंशनल के लिए। और राइज एंड फॉल और लेवलिंग ऐसा चैप्टर है जिसमें ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल वे दोनों में इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने अब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना, तो इन्वायरमेंट को कोई सा भी पेपर उठा लो, जीरो लेवल से लेके आगे ईएस गेट तक के, उसके अंदर आपको बीओडी का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो वो सबसे सबकी क्या है, एकदम फेवरेट चॉइस है, कौन सा, बीओडी, उसी टाइप, ठीक है ना, उनके बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। सर्वे के अंदर कन्वेंशनल के अंदर कौन सा है, लेवलिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के अंदर जैसे कंपास का क्वेश्चन बनना ही बनना है सर्वे से, उसी टाइप, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखना है, वो मैं अभी यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो कंसेप्ट याद रखना है, कभी भी राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दैट्स माय गारंटी, ठीक है। हम ये पॉइंट है अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस, ये है, ठीक है, एक पॉइंट ये है हमारे पास, इसे ए पॉइंट बोल दिया, और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट, क्लियर है। इन पॉइंट्स का बोल दिया, हमें क्या है, इस पॉइंट का एलिवेशन आरएल हमें पता है, ठीक है, इस पॉइंट का आरएल हमें पता है कि माना कि इसका आरएल कितना है, 100, कितना है, 100 मीटर का आरएल है इस पॉइंट का, क्लियर होगी। अब हमें इस बी पॉइंट का आरएल निकालना है, ठीक है। इसके लिए अपन ने क्या कर दिया, इसके लिए हमने क्या किया कि यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया,
ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया और इस इंस्ट्रूमेंट से आपने क्या है यहां पे रीडिंग लेना स्टार्ट कर दी। ठीक है, लाइन ऑफ साइट तो क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टली रहेगी। अब यहां पे ये हाइट ज्यादा है तो यहां पे कुछ आ रही है 2.11 मान लो, ठीक है, और यहां पे माना कि रीडिंग आ रही है अपनी कितनी, मानो 0.8880 मान लो, ठीक है 800 मीटर। अब हमें पता है, हमें निकालना है क्या है, आर एल ऑफ बी निकालना है। क्या निकालना है, आर एल ऑफ ए तो क्या है 100 और आर एल ऑफ बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है इतनी सी बात, आर एल ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से अपन को इस पॉइंट तक बी का आर एल फाइंड आउट करना है। अब मैं यहां से सिंपल इतना कर सकता हूं कि मुझे अगर यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं तो ये कुछ रेक्टेंगल सा बन गया मुझे, ठीक है। अब रेक्टेंगल बन गया है तो अगर मेरे पास ये डिफरेंस आ जाए हाइट का, ये डिफरेंस आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि ए से बी तक आने में कितना हाइट ऊपर उठ रही है। क्लियर है, ठीक है, कितना हाइट ऊपर उठ रही है, ठीक है। अब यहां से मैं कौन सी लाइन पे काम कर रहा हूं, इस लाइन पे काम कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से यहां तक आने में कितना राइज आ रहा है या हाइट उठ रही है या हाइट डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास ये रीडिंग, मुझे ये हाइट पता है, ये अगर हाइट मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, स्टाफ रीडिंग एट ए माइनस स्टाफ रीडिंग एट बी, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, ए से मैं चला 2.110 तक चला और माइनस में 0.880 तक पहुंच गया, तो यहां पे मेरे कितनी रीडिंग आ गई, मेरी 1.3 आ गई, नहीं 1.3 आ गई, 300 मीटर आ गई। अब यहां से मेरे को देखना क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट, अब मैं यहां से ए से बी की तरफ जा रहा था ना, तो मेरे ये रीडिंग क्या हुई है, कम हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो मेरी क्या है, रीडिंग कम हो रही है। कम होने का मतलब क्या हुआ कि मैं थोड़ा सी हाइट के ऊपर जा रहा हूं, तो हाइट के ऊपर जा रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है, हाइट के ऊपर हाइट का इंक्रीज होना क्या कहला रहा है, राइज कहला रहा है। तो यहां से मेरी एक चीज मुझे ये समझ में आ गई कि यदि इफ ऑन मूविंग, ठीक है, ऑन मूविंग ए टू बी स्टाफ रीडिंग डिक्रीजेस देन राइज विल अकर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, ए से बी की तरफ जा रहे थे तो क्या है, स्टाफ रीडिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मतलब क्या आ रहा है, राइज आ रहा है। अब मुझे आर एल ऑफ क्या निकालना है, आर एल ऑफ बी निकालना था, आर एल ऑफ बी निकालना था। अब आर एल ऑफ ए तो मुझे पता है, मुझे ये रीडिंग एड ही करनी है, तो मेरे पास आर एल ऑफ आ जाएगा, आर एल ऑफ ए प्लस में राइज आ गया। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये बन के आ जाती है कि आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू आर एल ऑफ ए प्लस में राइज आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाए, आर एल ऑफ बी आ गया। अब मुझे यहां से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये बन के आ गई है, इतना समझ में आया, ये क्लियर हो गया राइज का कंसेप्ट। अब बात करते हैं अपन फॉल का, ठीक है। अब फॉल के अंदर भी ये समझ लो कि ये रीडिंग है अपनी, यहां पे कुछ आ रही थी और यहां पे ये आ रही है, यहां पे अपन ने क्या लगाया, इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, ठीक है। यहां पे रीडिंग आई, माना कि अपनी 1.500, यहां पे आई 0.3 मीटर, ये पॉइंट ए है और ये हमारा बी है। अब हमें आर एल का क्या है, ए का आर एल गिवन है, आर एल ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है 100 मीटर, ठीक है। 100 क्यों लेके चल रहा हूं, इज ऑफ द कैलकुलेशन के लिए,
ठीक है। अब मुझे आर एल ऑफ बी निकालना है। आर एल ऑफ बी निकालने के लिए मैं क्या करूं, इस पॉइंट से यहां तक आ रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल सा मुझे क्या करना है कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये इतना इनके दोनों के बीच में हुआ ट्रेंगल बनाया और ये कितना हाइट है, तो मुझे ये यहां तक का आर एल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, ए से बी की तरफ जा रहा हूं, ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो मेरी स्टाफ वैल्यू क्या हो रही है, स्टाफ रीडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉल आ रहा है, गड्ढे में जाएंगे तभी तो रीडिंग इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो स्टाफ रीडिंग क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि एलिवेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन के जाने की वजह से, ठीक है। तो ये क्या आया, फॉल आया, क्लियर है। तो अपने को क्या करना है, ए से बी वाला वही कंसेप्ट, 0.300 माइनस में क्या कर रहे थे, 1.00, तो कितना आया, माइनस का 1.200 मीटर आ गया, क्लियर है, इतनी इतनी सी बात। अब मुझे निकालना है बी का आर एल निकालना है, तो आर एल ऑफ बी क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ ए माइनस में फॉल, ठीक है। अब यहां पे ये वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है। इस नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इस नेगेटिव से ये समझ के चलना है हमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो मेरा कितना था आर एल यहां पे, कितना था 100 माइनस में 1.200 कर दिया, तो कितना आ गया, 98.800 आ गया, क्लियर है, मीटर आर एल ऑफ द बी, क्लियर है, इतनी सी बात। क्या यादव साहब क्या डिलीट कर रहे हो, बट साहब क्लियर होगी, इतनी सी बात। अब हमें यहां से क्या समझ में आई, मेरे चार चीजें समझ में आई, वो मैं चार चीजें आपको एक बार क्विकली बता देता हूं क्या समझ में आई। एक तो क्या हुआ कि मेरी ए से बी की तरफ जा रहा हूं, अगर मेरी स्टाफ वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो राइज आएगा, और अगर स्टाफ वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या आएगा, फॉल आएगा, क्लियर होगी, इतनी सी बात। और अगर मुझे आर एल ऑफ वो निकालना है, आर एल ऑफ, ठीक है, आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर एल ऑफ ए, राइज हुआ तो प्लस में आ जाएगा, और अगर फॉल हुआ तो आर एल ऑफ ए माइनस में फॉल आ जाएगा, फॉल आया तो नेगेटिव आ जाएगा और राइज आया तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये चार चीजें ध्यान रखूंगा और मेरा क्वेश्चन ये कभी भी गलत नहीं होगा, राइज एंड फॉल का, क्लियर है, इतनी सी बात। अब इसके अंदर यहां से चार चीजें, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये तो था फॉल का कंसेप्ट और ये था राइज के लिए, ये दो चीजें हमें याद रखनी है, साथ के साथ ये याद रखनी है। अब जब हम अपन इसमें बुक भरेंगे ना, ठीक है, टेबल भरते हैं ये फोर राइज एंड फॉल का, तब हमें ये याद रखने के इंपॉर्टेंट आता है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फॉल में जाएगा, इंक्रीज हो रही है तो मतलब फॉल में जाएगा, और डिक्रीज हो रही है तो मतलब राइज में जाएगा, इतनी सी बात, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इनके लिए एक चेक है, चेक क्या है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस में समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल्स टू राइज माइनस में फॉल, और लास्ट आर एल माइनस में फर्स्ट आर एल, इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल आता है। अगर इक्वल आ रहा है तो हमने क्वेश्चन सही किया, ठीक है, ये क्रॉस चेक करने के लिए होता है। अब बात आती है, ये तो था राइज एंड फॉल मेथड, अब था हाइट ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। अब हाइट ऑफ कोलिमेशन क्या है, राइज एंड फॉल के कंपेरिजन बहुत ही इजी मेथड है, कि इसमें हमें ये याद नहीं रखना कि कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। हमारे लिए कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम चलता रहेगा, ठीक है। कैसे चलता रहेगा वो अभी देखो, ठीक है, इसके अंदर ये इजी, थैंक यू बट साहब। अब ये क्या था अपना, कोई भी एक लेवल था, अच्छा नहीं बना है लेवल, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये क्या है अपना, ठीक है, ऐसा लेवल बनाया,
तो यहां पे अपन ने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट रखा और इंस्ट्रूमेंट पे हमेशा अपन एक नॉन एलिवेशन पे क्या निकालते हैं, उसका बैक साइड रीडिंग लेते हैं। ठीक है, इसका आरएल हमें गिवन है, माना कि इसका भी आरएल कितना है, 100 है। ठीक, 100 मीटर का आरएल है। अब ये बात आती है, यहां पे अपन ने स्टाफ रीडिंग ली जो बैक साइड में थी बीएस, अब यहां पे अपन ने आगे की तरफ लेते चले गए, एक रीडिंग यहां ली, ठीक है, यहां पे यहां ली और फिर यहां ली। अब यहां पे तो क्या है कि बैक साइड पे रीडिंग माना कि 1 मीटर आई, ठीक है, यहां पे 1.200 मीटर आई, यहां पे भी इंक्रीज हो रही है, यहां पे 1.50 आई, यहां पे वापस से क्या आ गई, माना कि 1.20। अब यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आ गए ना। अब पहले तो यहां से तो पता चलता है कि वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, तो मतलब फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है। अब वापस से वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होने लगी, तो मतलब राइज आ रहा है। क्लियर है ना, ऐसा समझ में चलता है हुआ चलेंगे। चलो एक पॉइंट यहाँ पे और ले लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.800 मीटर आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, कौन सा, इन पॉइंट्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे। अब अपन को क्या करना है, डायरेक्ट इस लाइन ऑफ साइट पे काम करना है, लाइट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे करना। हाँ, ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर अप टू, तो मेजर अप टू कहाँ करते हैं, और टॉप ऑफ द ट्राइपॉड, टॉप ऑफ द टेलीस्कोप। तो हमेशा याद रखना सेंटर लाइन ऑफ साइट तक से लेके ग्राउंड लेवल तक की हाइट को क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे टेलीस्कोप होगा ना, टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, जैसे ये सामने ऐसा रहा, तो यहाँ पे क्रॉस एयर बना हुआ था, तो इस क्रॉस एयर के सेंटर तक, और ये क्रॉस एयर का ही तो वो क्या कहलाता है, सेंटर ही तो क्या कहलाता है, अपनी लाइन ऑफ साइड कहलाती है। क्लियर है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहां पे काम करेंगे, इस लाइन पे काम करेंगे। अब मुझे इस पॉइंट का आरएल चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं, इंक चेंज कर लेता हूं पहले तो, ठीक है। इंक चेंज करने के बाद में मैंने पता चला कि मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एच आई चाहिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एच आई इक्वल टू करूं, मुझे इस पॉइंट का डेटम पॉइंट का आरएल मुझे पता था, आरएल ऑफ डेटम, डेटम प्लस में क्या कर दूं, ये बैक साइड रीडिंग कर दूंगा, तो मुझे ये क्या है, एक्सिस ऑफ द लाइन ऑफ साइट ही तो है ना, ठीक है। तो ये क्या कर दूं, बैक साइड कर दूं, तो वहां से मुझे क्या मिल गई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गई। अब मैं क्या कर रहा है, मुझे इस हाइट का पता है, अगर मुझे ये हाइट मुझे पता है, तो मुझे इन पॉइंट का आरएल निकालना है, इन पॉइंट का, ये ए बी सी इनका निकालना है। तो मैं क्या करूं, इस हाइट में से खाली ये हाइट डिफरेंस ही तो माइनस करता चलूं, तो मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट ऑफ द आरएल ऑफ निकालना होगा, तो आरएल ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू क्या कर दूं, एच आई माइनस में स्टाफ रीडिंग करना है, स्टाफ रीडिंग करना है, बस हो गया खत्म। इतना सा तो कंसेप्ट था कि बैक साइड में आरएल जोड़ दूंगा, तो मुझे हाइट ऑफ, अब मुझे इस पॉइंट का हाइट मुझे पता है, इस टेबल की हाइट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूं, ये स्टाफ रीडिंग ले ही रखा है, इस लाइन ऑफ साइट में मैं चल रहा था, इनमें से जितनी जितनी रीडिंग लेता गया वो रीडिंग माइनस करता गया, और मेरे पास क्या आ गया, उन पॉइंट्स का आरएल आ गया, बस सिंपल कंसेप्ट, इजी से, ठीक है। और यही मैंने लिखा है कि अब देख लो, सिंपल सा है कि इसकी रीडिंग आई थी वन, अपना वन लिया था ना, तो फर्स्ट एच आई क्या आ गई इसकी, एच आई आ गई है अपने पास, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओ शिट, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या था, ऐसा कुछ लेके चल रहे थे, यहाँ पे अपन ने इंस्ट्रूमेंट लगाया था, यहाँ पे इसकी एक मीटर हाइट आई थी, एक मीटर हाइट आई थी, और इसका आरएल कितना था, 100 था, और इन पे रीडिंग अपन ने ऐसे लेके चल रहे थे, इस पे माना कि 1.2 ली थी, इस पे 1 ली, और इस पे 0.800 ली। ठीक है, तो अपने पास एच आई कितना आ गया, एच आई इक्वल टू आरएल ऑफ डेटम कितना है, प्लस में स्टाफ रीडिंग बैक साइड, ठीक है, आरएल कितना है, 100 प्लस में 1, तो कितना आ गया, 101 आ गया। अब हमें आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, ये स्मॉल एबीसी मान लो इनको, ये ए बी और सी है, ठीक है, स्मॉल एबीसी मान, तो आरएल ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एच आई माइनस में स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग यहां पे कितनी है, स्टाफ रीडिंग
एच आई कितना है 101 माइनस में 1.2, तो ये कितना आ गया 99.800 आ गया। ठीक है, आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी हो जाएगा 101 माइनस में 100 आ गया, तो आर एल ऑफ सी इज इक्वल टू हो गया 101 माइनस में 0.800, तो यहां से कितना आ गया 100.200 मीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है कि हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल ली, उसमें से जितनी भी स्टाफ रीडिंग है माइनस करते जाएंगे, अपना क्या आ जाएगा राइज एंड फॉल क्या आ जाएगा आरएल आ जाएगा। ठीक है, अब आता है अपने पास एक इस चीज को समझने के लिए न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए थम्स अप और थम्स डाउन करके। हाँ पुष्पेंद्र 100.2, ठीक है ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसमें बैक साइड और फोर साइड रीडिंग और लास्ट आरएल ये कैसे चेक किया जाता है, टेबल कैसे भरते हैं। ठीक है, टेबल भरने के लिए क्या करते हैं, पहले इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है बच्चा ओके, अपन देखा जाता है सबसे पहले रीडिंग कहां ली जाती है, बैक साइड के अंदर। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम साथ के साथ तुम्हें ऊपर बना के दिखा रहा हूं कि ये अपना कुछ ऐसा है। ठीक है, यहां पे अपने क्या है एक टेबल वो इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, यहां पे इसकी बैक साइड रीडिंग ली जा रही है। ठीक है, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया सर, चलो बढ़िया है, कंसेप्ट भी क्लियर करना है बस पुष्पेंद्र, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली रीडिंग आई अपने पास 0.663 आई। ठीक है, फिर अपन रीडिंग लेते गए, फर्स्ट रीडिंग ली, सेकंड रीडिंग ली, थर्ड ली, फोर्थ ली। ठीक है, यहां पे रीडिंग आई कुछ, यहां पे आई, तीनों रीडिंग ली। यहां पे आने के बाद में हमें इंस्ट्रूमेंट दिखना बंद हो गया। ठीक है, तो यहां पे लास्ट रीडिंग आई हुई थी अपनी 1.585। अब यहां से नई पोजीशन पे अपन क्या है इंस्ट्रूमेंट लेके गए, इंस्ट्रूमेंट लेके गए तो इंस्ट्रूमेंट के यहां पे लगाने के बाद में फिर कुछ रीडिंग आई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए ये रीडिंग ज्यादा आ रही है तो इंस्ट्रूमेंट को थोड़ी सी हाइट दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पे बैक साइड, फिर आगे से ये लाइन ऑफ साइट चेंज होती गई और ऐसे चलते गए। क्लियर है, तो फर्स्ट अपनी आई बैक साइड रीडिंग आई, फिर इंटरमीडिएट आई, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, फिर आई फोर साइड। अब फोर साइड के ही साथ में इसमें बैक साइड क्यों है, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर रख के अपन ने फोर साइड इस पोजीशन ए पोजीशन की तो फोर साइड ली है और बी पोजीशन की बैक साइड ली है, तो इसलिए यहां पे एक जहां पे चेंज पॉइंट आएगा वहां पे क्या आएगा फोर साइड और बैक साइड एक ही कॉलम के अंदर आएगी, एक ही रो के अंदर आएगी। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, मैंने राइज एंड फॉल बताया था कि अपन बैक साइड से क्या जा रहे हैं फोर साइड के अंदर, इंटरमीडिएट साइड के अंदर ये रीडिंग ली, तो इसमें क्या हुआ रीडिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मेरी रीडिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो मैंने क्या बोला था रीडिंग इंक्रीज हो रही का मतलब क्या है, किसी न किसी डिप्रेशन में जा रहे हैं अपन। ठीक है, नीचे जगह में जा रहे हैं तो मतलब क्या आ रहा है फॉल आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, डिफरेंस कितना आया 1.283 कितना आ गया फॉल में चला गया। क्लियर है, ठीक है, फिर इस पॉइंट से यहां तक आया, अब इस पॉइंट में 1.946 था। ठीक है, 46 था, तो ये मेरी रीडिंग क्या हुई है डिक्रीज इंक्रीज हो गई है, सॉरी डिक्रीज हुई है। ठीक है, रीडिंग क्या हुई है इस पॉइंट से यहां तक आने में मेरी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है मतलब क्या हुआ वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है मतलब क्या हुआ हाइट थोड़ा इंक्रीज हो रही है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया कितना आया 0.938 मतलब क्या आ गया मेरा अराइज आ गया। क्लियर है, अब फिर मेरी वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो गया मतलब क्या आया फॉल आया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब फिर यहां से पोजीशन, ये पोजीशन मेरी ए पोजीशन है स्टाफ की, ये है इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, ये इंस्ट्रूमेंट पोजीशन की थी। थैंक यू गदर एंड सैयद, थैंक यू सर जी। ठीक है, ठीक है,
अब यहां से अपन क्या पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है। लास्ट थी इंटरमीडिएट, यहां से अपन फोरसाइट पे गए, तो यहां पे भी अपनी क्या हुई है, वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। इंक्रीज हुई है मतलब क्या हुआ, फॉल आया, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया, फॉल में लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। फिर यहां से अपन अब आने के बाद में पोजिशन अपनी चेंज हो गई थी, अब इस पोजिशन से आने के बाद में अपन ने क्या लिया, यहां पर लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे आए। अब क्या हुआ, बैक साइड से वापस इंटरमीडिएट साइड पे आए, तो 2.787 से अपनी रीडिंग आ रही है 2.270, तो मतलब रीडिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, कुछ हाइट पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि राइज आ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। फिर यहां से इस पे आए, इन दोनों में देखा तो ये वैल्यू फिर और डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गया मतलब क्या आया, राइज आया, ठीक है। फिर इनसे देखा तो इनसे देखा तो इनकी वैल्यू क्या हो रही है, फिर और डिक्रीज हो गई तो मतलब राइज आया, क्लियर है। ये लिखते गए, ये टेबल फिल आ गई। अब हमें पता है कि अगर फर्स्ट पॉइंट का आरएल हमें यहां पता है कितना है, 98.76 मीटर, ठीक है। अब 98.76 मीटर था, अगर हमारे पास राइज आ रहा है तो इसमें क्या कर दिया, प्रीवियस आरएल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यहां पे फॉल आया, ठीक है, फॉल आया तो प्रीवियस आरएल में से इसको माइनस कर दिया तो 97 आ गया। अब यहां पे क्या है, राइज आया तो इस आरएल के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, यहां पे फॉल आया तो इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। इसलिए इस राइज एंड फॉल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। सर चेंज पॉइंट पर क्या किया है, समझ नहीं है। चेंज पॉइंट पे पुष्पेंद्र ये किया है कि चेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे अपन को क्या है, रीडिंग लेना पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता तो अपन चेंज पॉइंट पे लाके इंस्ट्रूमेंट पोजिशन ए से लाके किसी दूसरी पोजिशन पे रख लेते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट था ना ए पोजिशन का, उस ए पोजिशन का लास्ट पॉइंट था ना, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बी पोजिशन का इनिशियल पॉइंट बना लेते हैं, और इनिशियल पॉइंट कहां पे रीडिंग लेते हैं, अपन बैक साइड में लेते हैं। तो इसलिए कहा होता है, चेंज पॉइंट पे दो रीडिंग ली जाती है। तो पॉइंट जैसे ये पॉइंट था ना अपना, ठीक है, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था अपना बी, ठीक है। यहां पे अपन ने इस ए पोजिशन की तो यहां पे रीडिंग आई थी 1.585, ठीक है, और बी पोजिशन की इसके ऊपर रीडिंग आई थी 2.787 आई, क्लियर है। तो इन दोनों के क्या है कि पीछे वाले से कनेक्ट करने के लिए इसी पॉइंट के ऊपर क्या है, अपन नया रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं, इसको क्या बना देते हैं, इसलिए, और नए रेफरेंस पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, हमेशा बैक साइड की रीडिंग लेते हैं, ठीक है। दीपिका दीप, हाय सर, हेलो, ठीक है, क्लियर होगी इतनी सी बात। अब इसमें क्या है, अपन इनिशियल प्रीवियस आरएल माइनस में यहां पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे पास प्रीवियस आरएल था, जैसे इस पॉइंट का आरएल था, इस पॉइंट से यहां तक आने पे जितना राइज एंड फॉल आया, तो इस आरएल में अगर राइज आ रहा है तो ऐड कर देंगे और फॉल आ रहा है तो माइनस कर देंगे। फिर इस पॉइंट पे आए तो इस आरएल में से जितना यहां पे राइज आ रहा है तो ऐड कर देंगे, फॉल आया तो माइनस कर देंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे। अभी कहीं जाना मत, अभी थोड़ी देर में इसका एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिससे ये क्या हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसे मैं चेक लगा दिया, बैक साइड माइनस में फोर साइड का डिफरेंस, राइज माइनस फॉल का डिफरेंस, और फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल का डिफरेंस लेके इनमें से निकाल देते हैं, ठीक है। अब आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ दो चीजें याद रखनी थी, एच आई इज इक्वल टू क्या था, आरएल ऑफ डेटम, आरएल ऑफ डेटम प्लस में बैक साइड। एच आई सिर्फ, इसमें सिर्फ एक चीज ये याद रखना है, एच आई हमेशा कहां पे निकाली जाती है, एच आई यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली जाती है ओनली ऑन बैक साइड, जहां पे हमने बैक साइड की रीडिंग लेते हैं वहीं पे एच आई निकलेगी, अदरवाइज किसी भी पॉइंट के ऊपर एच आई नहीं निकलेगी, क्लियर है। पहली बात ये समझ में आ गई, ठीक है। एच आई थैंक यू नवाज साहब, खुश हुए ये देख के। अभी देखो 19 तारीख से यानी ट्यूसडे से बिल्डिंग मटेरियल और लेके आएंगे, वो और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, कंटिन्यूअसली क्लास लो आप लोग तो,
कभी भी अगर सर्वे जीवन में भूल जाओ तो आपने गारंटी, ठीक है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज का बेनिफिट है, यहाँ पे कमेंट कर रहे हो, जो चीज है मैं हैंड टू हैंड क्लियर कर दूंगा, अगर और भी कोई डाउट होगी तो यहीं पे क्लियर हो जाएगी, जैसे ऑफलाइन में होता था ना। ऑनलाइन का ये नुकसान भी था, लेकिन यहाँ पे अपना ये प्लेटफॉर्म बढ़िया है तो यहाँ पे ये बेनिफिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो एच आई क्या होगा, आर एल प्लस में डेटम होगा। अब यहां से आर एल इस पॉइंट का हमें पता है कितना है, इतना है, सॉरी ये है 98.760, ठीक है, और इसमें बैक साइड था तो हमने इसको बैक साइड को ऐड कर ली, तो अपने हाइट ऑफ कोलिमेशन क्या आ गई या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आ गई, 99.423 ये आ गई है। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, नॉर्मली जितनी भी स्टाफ रीडिंग आएगी इसको 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 और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर हुई। माइनस करने के बाद में यहां तक अपन पहुंच गए, ठीक है, यहां तक की अपने पास क्या आ गई है, आ गई है रीडिंग्स आ गए, क्लियर होगी। अब क्या हो गया कि अपने पास स्टाफ रीडिंग माइनस करते गए, इसमें से ये किया तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, ठीक है, एच आई आ गई, एच आई में से अगर ये माइनस किया 1.946 तो अपने पास 98.76 ये रीडिंग आ गई, फिर इसमें से एच आई में से ये माइनस किया तो ये आ गया, एच आई में से ये माइनस किया तो अपने पास ये आ गया, क्लियर है, इतना सा समझ में आ गया, ठीक है। फिर ये माइनस किया तो हमारे पास ये माइनस बैक साइड फोर साइड का किया तो ये आ गया, ठीक है, चार रीडिंग थी ए 1 2 3 4 और चार ही अपने पास क्या आ गया, आर एल आ गए 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में अपन ने क्या किया, दोबारा अपने पास क्या है, लाइन ऑफ साइट आ गई, लाइन ऑफ साइट ये आ गई कितनी, 2. नई रीडिंग आई है 2.787। अब नई बैक साइट आ गई तो अपन को क्या करना है, जो प्रीवियस पॉइंट था, इस पॉइंट का जो आरएल था, माने कि ये पॉइंट था आरएल था ना, उसी का अपन ने क्या कर दिया, दोबारा से ये रीडिंग ऐड कर देंगे तो नई अपने पास क्या आ गई, एच आई आ गई, नया एच आई आ गया। नया एच आई आने के बाद में वही आगे की रीडिंग 1 2 3 माइनस कर दिया और अपने पास 1 2 3 ये सबका क्या आ गया, स्टाफ रीडिंग आ गया, क्लियर है, ठीक है, एक बार फिर देख लो, ठीक है, कि हमारे पास पहले बैक साइड थी उसका आरएल क्या था, नॉन आरएल था, रिड्यूस लेवल हमें पता था, तो इसकी हेल्प से अपन ने क्या निकाले, एचआई निकाले, एचआई में से ये रीडिंग्स माइनस करते गए 1 2 3 4, ठीक है, सबका 1 2 3 4 यहां तक अपना आरएल आ गया। अब इस आरएल के अंदर ये ऐड कर दिया तो नई एचआई आ गई, अब नई एचआई आने के बाद में 1 2 3 ये तीनों रीडिंग माइनस कर देंगे, ये तीनों रीडिंग आ जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, समझ गए सर, ठीक है पुष्पेंद्र, वेरी गुड। अब इनके अंदर ये डिफरेंस देख लो छोटा सा, बाकी ये कोई पूछता नहीं है, कई बार क्या है कि कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाओ तो ये पूछ लेते हैं, हाइट ऑफ कोलिमेशन सिस्टम एंड राइज एंड फॉल मेथड में क्या, हाइट ऑफ कोलिमेशन क्या है, एक तो इजीएस्ट मेथड है, ठीक है, लिस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा कर, इसके लिए कोई भी चेक नहीं है, इसके लिए चेक है, ठीक है, एरर इन मेटर कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसमें अगर कहीं एरर आ गया तो नहीं डिटेक्ट होगा, लेकिन इसमें चेक होने की वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों से निकल जाएगा। देर आर टू चेक ऑन एक्यूरेसी ऑफ आर एल कैलकुलेशन, कि आर एल के लिए वही है एच आई और वो है, और इसमें क्या है, तीन चेक आ गए अपने पास, ठीक है, इसमें सिर्फ ये क्या है कि इसमें तो दो चेक हो गए सिर्फ, कौन कौन सा, फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर एल, और एक कौन सा हो गया, बैक साइड माइनस में फोर साइट हो गए, दो ही हो गया, इसमें तीन हो गए, बैक साइड माइनस फोर साइट, ठीक है, राइज माइनस फॉल और फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर एल, तो इसमें यहाँ पे क्या हो गए, तीन चेक हो गए, इसमें क्या हो, दो हो गए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, देयर आर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट, देयर आर सुटेबल फॉर फ्लाई लेवलिंग, ठीक है, राइज एंड फॉल लाई लेवलिंग, देयर आर नो इंटरमीडिएट साइट के लिए तो इजी है राइज एंड फॉल, जहां पे दो रीडिंग जो अपन ने इनिशियल में पॉइंट बना के किया था ना, वैसे के लिए तो ये इजी रहता है। और ये क्या है, अगर कोई लंबा मेथड हो जिसमें बहुत सारी इंटरमीडिएट साइट हो तो इसमें क्या है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होते हैं, बैक साइड निकाली धड़ाधड़ से क्या करते जाएंगे, इंटरमीडिएट साइट और फोर साइट को माइनस करते जाएंगे, सबके आर एल पता चल जाएंगे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इन्वर्टेड स्टाफ, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग क्या है, इन्वर्टेड स्टाफ में क्या है,
कि when the point whose elevation to be found, अब अपने पास क्या है कि ये मैंने जैसे डायग्राम बना ही रखा है, डायग्राम में देखो क्या है मेरे पास, ये क्या है फ्लोर का मेरे पास क्या है RL है, जैसे मैं यहाँ रूम में बैठा हूँ तो इस रूम के फ्लोर का मेरे पास RL मेरे पास गिवन है, ठीक है, और मुझे इसकी सीलिंग का RL निकालना है। तो मैं क्या करूं, एक तो बीच में यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा लिया, एक बार तो इसकी हाइट ले ली इंस्ट्रूमेंट की, HI लगा ली, और दूसरी बार क्या करूंगा उसको रिवर्स इन्वर्टर लगा के जीरो क्या है उसके टच करता हुआ, ठीक है, जीरो पॉइंट होगा वो ग्राउंड उसके फ्लोर को टच करता हुआ, उसका क्या कर लूंगा मैं स्टाफ रीडिंग ले लूंगा, ठीक है, उस टाइप से उल्टा कर देता हूं। हम देखो था क्या, सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, कि ये हमने क्या है कोई रूम की सीलिंग है और ये अपना क्या है उसका फ्लोर है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया, फ्लोर पे रीडिंग आपने आ गई 2.248 आई, क्लियर है, और अभी सीलिंग का लेना था तो अपन ने जीरो कहाँ टच किया, इस पॉइंट पे जीरो टचिंग पॉइंट, जीरो जीरो किसका स्टाफ का, जीरो स्टाफ टच, ठीक है, तो अब कोई पूछ लेना कि जीरो इन्वर्टर स्टाफ में जीरो का इसको टच करता है तो सीलिंग को टच करता हो पॉइंट को जिसका हमें एलिवेशन निकालना है। पुष्पेंद्र प्रैक्टिस क्लास भी अभी स्टार्ट होने वाली है, MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एक्चुअली क्या है दो दिन का सैटरडे संडे ऑफ आने की वजह से हो गई, डिले हो गई है क्लास, अदरवाइज कल ही फ्राइडे, कल क्या था सैटरडे था, सैटरडे 3:30 बजे अन अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट ऐप के ऊपर आती है, स्पेशल प्रैक्टिस सेशन है जिसके अंदर गेट ES और SSC के लेवल को लेके बनाया गया है, और गेट और ES के क्वेश्चन उसमें इसलिए डाले गए हैं क्योंकि SSC में मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहते हैं गेट और ES के जो इजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं उनको डायरेक्ट उठाते हैं, ठीक है, तो वो क्लास हो सकता है मंडे से या ट्यूजडे से वापस से स्टार्ट हो जाएगी, एक्चुअली क्या सैटरडे संडे क्या रहता है 5-day week रहता है अन अकेडमी के ऑफिस में, तो हमारी टीम से कनेक्ट नहीं हो पाया था जिसकी वजह से क्या है थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए वो क्लास कल स्टार्ट नहीं हो पाई थी, अदरवाइज सैटरडे को स्टार्ट हो जानी थी प्रैक्टिस क्वेश्चन की, और प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी मंडे से स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो ट्यूजडे से स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस, जितना भी आवर कंप्लीट हो गया यूट्यूब प्लस अन अकेडमी की ऐप पे दोनों पे मिलेगी आपको, ठीक है, और क्वेश्चन एक बार देखना, क्वेश्चन के लेवल देखना, ठीक है, आप अगर गेट के क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो तो अपनी गारंटी, सिंपल सा इजीएस कंसेप्ट बनाएंगे, छोटी छोटी चीजें समझते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, MCQ का है ही है और उसका लेवल ये रखा है इजी मॉडरेट और हार्ड, ठीक है, हाँ दोनों पर ही होगी, यूट्यूब पे भी होगी ऐप पे भी होगी, और ऐप के ऊपर ये मत समझना कि उसका कोई कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वहां पे भी आप बिना किसी कॉस्ट के जाके देख सकते हो, ठीक है, तो खाली लॉगिन करते समय आपको बस है कि लॉगिन के लिए कई बार क्या है रेफरल कोड पूछ लेता है, तो वहां पे देवेंट डाल के 10 डाल के चले जाना, अंदर घुस जाना, उसके लिए आपको ना ही कोई चार्ज देना है ना ही किसी चीज का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अन अकेडमी की ऐप पे भी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं इन्वर्टेड स्टाफ की, इन्वर्टेड स्टाफ में तो हमें क्या निकालना, इस पॉइंट का निकालना था RL, अब हमें RL इस B पॉइंट का गिवन है, माना कि 100 मीटर है, क्या है 100 मीटर है, लेट RL ऑफ B इज 100 मीटर, देन RL ऑफ A हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, यहां से ये स्टाफ रीडिंग ले ली, स्टाफ रीडिंग आई 2.2, तो मैंने क्या किया HI बना ली, 100 प्लस में 2.248 क्या आई, ये क्या आ गई अपनी HI आ गई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, क्लियर है, अब मैंने क्या किया रिवर्स में स्टाफ लगाया जीरो को टचिंग करते हुए, और ये उस पे स्टाफ लगाया, रीडिंग आई मेरी 3.45, तो मेरा क्या होता है RL ऑफ बी निकालने का तरीका क्या होता है HI माइनस में स्टाफ रीडिंग करता, यही करके चल रहा था, तो मैंने क्या किया HI माइनस में स्टाफ रीडिंग कर दिया, और ये क्या है इन्वर्टेड स्टाफ यूज किया था इसलिए यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये टोटल मेरे क्या है इस पॉइंट का RL आ गया, अब सिंपल सा है यहाँ का RL मुझे पता है, तो ये रीडिंग और ये रीडिंग मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास A पॉइंट का क्या आ जाएगा RL आ जाएगा, वही तो किया मैंने, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कर दिया था, इन्वर्टेड था इसलिए नेगेटिव रीडिंग आई है हमारी, ठीक है क्लियर है, इन्वर्टेड स्टाफ इस क्वेश्चन, इन्वर्टेड स्टाफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC के अंदर अगर न्यूमेरिकल बनाते हैं वो फर्स्ट न्यूमेरिकल बनाते हैं इन्वर्टेड स्टाफ पे, सेकंड बनाते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग पे, थर्ड फिर राइज एंड फॉल से इजीएस्ट कोई फिल इन द वो मतलब टेबल फिल करने वाला न्यूमेरिकल बना देते हैं, क्लियर है ठीक है।
अब आता है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है, छोटा सी चीज है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद में लास्ट के अंदर न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल जरूर देख के जाना है, हमें बीच में भागना नहीं है, कुछ लोग बीच बीच में भागते आते जाते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, मैक्सिमम 15 मिनट और, ठीक है, 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा अपना लेवलिंग। आज बात आती है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, कर्वेचर का इफेक्ट क्या होता है? जब अपन लेवलिंग सर्वे स्टार्ट किया था तो अपन ने टू टाइप्स ऑफ सर्वे देखा था, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वेइंग इज द व्हेन इफेक्ट अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड टू बी फ्लैट, और जियोडेटिक व्हेन इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज कंसीडर्ड। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर मतलब शेप ऑफ अर्थ क्या माना था, जियोइड माना था ना, स्पेरिकल, कैलकुलेशन पर्पस से क्या मान के चल रहे थे, स्पेरिकल मान के चल रहे थे, ठीक है, स्पेरिकल मान के चल रहे थे, तो स्पेरिकल मान के चल रहे थे ना, तो उसमें क्या है, जो ये जो अर्थ का सरफेस घूमता है कहीं ना कहीं जाके, ठीक है, उससे क्या कहते हैं, कर्वेचर इफेक्ट कह रहे थे अपन। ओके ठीक है, ठीक है पुष्पेंद्र, रेगुलर रहना और लाइक शेयर भी करते रहना, सबको अपने दोस्तों को भी बुलाओ अगर पसंद आ रही है तो, ठीक है। अब बात आ रही है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, जैसे अर्थ सरफेस ऐसे घूम रहा था ना, अब घूमने वाला क्या है, मेरे पास यहाँ पे कोई ऑपरेटस नहीं है, चलो ये मान लो जैसे ये अर्थ है, कि जैसे ये क्या है मेरा, ये ऐसे घूमा हुआ है कर्वेचर। अब मैं यहां से कोई लाइन ऑफ साइट डालता हूं, यहां से देखता हूं, तो वो क्या है, लाइन ऑफ साइट तो कभी भी क्या है, अर्थ सरफेस के साथ रोटेट नहीं होगी, और रोटेट ना होने की वजह वो क्या है, सीधी जाएगी, सीधी जाएगी ना, तो ये मेरा इफेक्ट हुआ ना, ये स्ट्रेट लाइन जाने की वजह से ये कर्वेचर में मुड़े ही नहीं, ये मेरा क्या कहलाता है, इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर कहलाता है। कि जैसे यहां पे मैं खड़ा हुआ था पोजीशन ए पे, यहां ए पॉइंट पे खड़े होने के बाद में इस साइड में देख रहा था, तो इस साइड में देखने के बाद मेरी लाइन ऑफ साइट तो क्या गई, स्ट्रेट चली गई, लेकिन अर्थ तो कहीं ना कहीं जाके घूम रही है ना, तो घूमने की वजह से वो लाइन ऑफ साइट तो नहीं घूमी, तो वो जो इफेक्ट आया ना, जो चेंज आया है, वो क्या कहलाता है, इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर कहलाता है, जैसे इसे बोलते हैं अपन इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। लाइन ऑफ साइट मेरी घूमनी ऐसे चाहिए थी, ये घूमने की ना बजाय ऐसे सीधी चलेगी, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लेवल सरफेस द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एविडेंट दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन डिपार्ट फ्रॉम द लेवल सरफेस बिकॉज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कि ये लेवल सरफेस से तो निकलती है, लेकिन लेवल सरफेस के साथ में घूमती नहीं है। लेवल सरफेस क्या था, कि ये अपना अर्थ सरफेस था, अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं पे भी अगर सेम एलिवेशन की लाइन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपन लेवल। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वो स्ट्रेट लाइन चली जाती है, ये लेवल की तरह घूमती नहीं है, तो ये ना घूमने की वजह से जो ये इफेक्ट आता है ना, ये इफेक्ट क्या कहलाता है अपना, ये वाला इफेक्ट, इतना वाला, ये वाला इफेक्ट क्या कहलाता है अपना, इतना इफेक्ट कहलाता है इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर, ये क्या कहलाता है, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्लियर है इतनी सी, ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर कहलाता है, इसे सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब माना कि अपना ये क्या है, अर्थ है, अर्थ की रेडियस क्या है, चेंज करने दो, ये आर है, ठीक है, ये भी आर होगी, ये माना कि कर्वेचर इफेक्ट था, कोई एच हाइट था, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस की लेंथ कितनी थी, ये स्मॉल डी थी, क्लियर है, इतनी सी बात मान के चलो। फिर एज द लॉन्ग आउटसाइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल साइड डज नॉट रिमेन स्ट्रेट बट स्लाइटली बेंड टुवर्ड्स द हैविंग कॉन्वेक्टिटी टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये क्या है, इस पॉइंट को एक बार के लिए छोड़ दो, अब मन को इतना ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, कि वो सीधा चला जाता है, इफेक्ट कर्वेचर के साथ में मुड़ती नहीं है, ठीक है, मुड़ती नहीं है, तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ना मुड़ने की वजह से जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो उसको फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री वी कैन राइट डीसी प्लस में डीई, डीसी प्लस में इनटू में डीई, मतलब डीसी ये है और डीई कौन सा है, ये वाली है, तो इसको इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं, एडी का स्क्वायर कर सकता हूं फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ज्योमेट्री से, ठीक है। अब डीसी इज इक्वल टू डी, अब मेरे पास डीई क्या है, डीई क्या है, इज इक्वल टू क्या है, डीसी प्लस में सीई, ठीक है, डीसी ये है और सीई ये है।
अब मुझे पता है यहां से डीसी का स्क्वायर कर दिया, डीसी को बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद डीसी का स्क्वायर डीसी प्लस इनटू में सी इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर। अब मुझे पता है डीसी इज इक्वल टू क्या है, एच है, और सी इज इक्वल टू क्या हो गया, टू आर हो गया, आर सेम ऑफ द रेडियस थे, एच स्क्वायर प्लस में एच इंटू में टू आर इंटू में डी स्क्वायर। तो हायर पावर को क्या कर दिया अपने, नेग्लेक्ट कर दिया, किसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसको एच स्क्वायर को। तो यहां से एच इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, डी स्क्वायर अपॉन में टू आर। ये क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर आ गया कि कितना हाइट होगा अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस तक क्या होगा, इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या किया, एच इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, एच इज इक्वल टू आ गया एच डी स्क्वायर अपॉन में टू आर। अब टू आर आ गया तो यहां से अपन को पता है डी तो क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, टू इंटू में रेडियस ऑफ आर, सिक्स थ्री इंटू में अप्रोक्सीमेट इतनी होती ना, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर इसको क्या किया अपन ने, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में ये क्या आ जाएगा अपना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नहीं सॉरी ये तो क्या था, किलोमीटर में था। अब अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां से अपने पास एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.0785 डी स्क्वायर, ये क्या आया, मीटर में आया। क्लियर है, ये कर्वेचर इफेक्ट था, क्या क्या लेंथ को क्या बढ़ा दिया तो क्या है, एरर पॉजिटिव आ गया, तो करेक्शन क्या होगा अपना, नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया। हेयर एच इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, एच तो क्या है मीटर में है, और डी क्या है किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर में मैंने खाली इसी को ही चेंज करने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो था इतना। अब बात आती है रिफ्रेक्शन की। अब रिफ्रेक्शन क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल ऑफ लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रही थी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये डी वाली लेंथ थी ना अपनी अर्थ सरफेस के साथ में ऐसे जा रही थी, ये अर्थ सरफेस, तो ये क्या होती है कि ये ऐसे जा तो रही थी, लेकिन क्या होता है कि एयर वगैरह, विंड वगैरह, एनवायरमेंट वगैरह से ये क्या है, थोड़ी सी हल्की सी बेंड हो जाती है इसकी डेंसनेस चेंज होने की वजह से। डेंसनेस मतलब कहीं पे एयर लाइट आ गई, कहीं पे मोस्ट आ गई, तो उनकी वजह से क्या होता है, उनके इसकी हाइट में इस ये क्या होती है, हल्की सी बेंड हो जाना, ये क्या कहलाता है, इफेक्ट ऑफ द रिफ्रेक्शन। रिफ्रेक्शन कि रिफ्रेक्शन का मतलब टू मीडियम चेंज होने की वजह से, जिस मीडियम में जा रही थी लाइन ऑफ साइट के, हल्की सी कहीं ना कहीं जाके अपन को बेंड हुई हुई जाती है। तो कहीं पर कहीं अपन देखते हैं दूर दराज, अपन को कहीं आसमान और वो मिलता हुआ दिखता है, मिलता हुआ दिखता है का मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसे बेंड हुआ हो दिखता है अपनी लाइन ऑफ साइट की वजह से दिखता है, तो वो क्या कहला है, क्षैतिज कुछ बोलते हैं शायद, पता नहीं उसको एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ द रिफ्रेक्शन। अब रिफ्रेक्शन क्या था, 1/7 ऑफ द सीसी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या होता है, 1/CR इज इक्वल टू होता है 1/7 ऑफ द सीसी। सीआर क्या, इफेक्ट ऑफ रिफ्रेक्शन, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, 1/7 होता है। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें एड हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो ये इसको इसलिए इसमें एड कर देते, तो ये इसलिए पॉजिटिव आ जाता है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। यहां से अब अपन को, अब सी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, कंबाइंड करेक्शन कितना आ जाएगा, 0.673 डी स्क्वायर आ गया। अब इतना तो ये तो था अपना कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन में सी सी इज इक्वल टू कितना था, 0.0785 नेगेटिव का इंटू में डी स्क्वायर। ठीक है, वो क्या था, 0.0112 था। ठीक है, हाँ यही था, और इनका दोनों का कंबाइंड आ गया 0.0673 डी स्क्वायर। क्लियर हो, अब इतनी सी बात थी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे अपन देखते हैं डिस्टेंस ऑफ द होरिजन मिरर, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई बंदा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज नहीं भी बता देता हूँ, कई बार अपन ने आता है ना, एक बंदा खड़ा है, वो एक बोट पे जा रहा है, तो उसको लाइट हाउस दिख रहा है, ठीक है, तो लाइट हाउस की हाइट क्या होगी, ठीक है, या फिर उस लाइट हाउस की इतनी हाइट है तो वो डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला वही क्वेश्चन है कि हमारा वो बोट है वो ए पे खड़ी हुई है, ए पे, ठीक है, ए पे कोई ऐसा बंदा है, उसे बी पे कोई बंदा देखना है, कर्वेचर है, ठीक है, अब उसकी कितनी हाइट होगी कि वो हमें आसानी से दिख जाए, ठीक है, मतलब ये वो ही हो गया लाइट हाउस हो गया, कि उसकी लाइट हाउस की कितनी हाइट हो कि वो हमें ए पॉइंट से दिख जाए, ठीक है, सिंपल से। अब हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन में आर, आर अपॉन रेडियस वाला फंडा ही है, ठीक है, यहां से आ गया। अब एच इज इक्वल टू क्या था, 0. ये था अपना। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करें, सिंपल सा है फंडा, ऊपर वाला कंसेप्ट है ना, ठीक है, यहां से क्या है, एच इज इक्वल टू कितना है, 0.0673,
ठीक है। अब इसमें क्या है, डी स्क्वायर निकालना है, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस हो कि हमें एच हाइट का कोई बंदा आसानी से दिख जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अपन ने क्या किया, एच अपॉन में 0.0673 कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया, डी को इसको पावर, ये क्या हो गया, ठीक है, इसको सोल्व किया तो ये एच स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट, ठीक है, h, ठीक है, h अंडर रूट में 0.673 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना 0.854 अंडर रूट h आ जाएगा। अगर कोई बंदा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, सीसीसीसी में सीआरसी में ऐड रहता है क्या, पुष्पेंद्र, थैंक यू, ठीक है बट साहब, थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र। सीआर और सीसी में ऐड रहता है क्या, ठीक है, कंबाइंड करेक्शन में तो ऐड रहेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं रहेगा, ठीक है, कंबाइंड करेक्शन के अंदर ऐड रहता है, और कंबाइंड करेक्शन कितना होता है, ये होता है 0.0736, क्लियर है, ठीक है। यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये डी आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन ये कहां पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस इसकी ये है जब लाइट हाउस वाले क्वेश्चन आ जाए कि एनी पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बोट, ठीक है, क्लियर है, टॉप ऑफ द बोट पे यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जिसका नाम कुछ भी मान लो, कोई एक्स नाम का बंदा है, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है तो उससे बी पॉइंट के ऊपर एच हाइट का लाइट हाउस दिखाई देता है, एच हाइट का लाइट हाउस दिखाई देता है। तो ठीक है, यहां से क्वेश्चन सर्वे के अंदर क्या बनेगा, तो टॉप ऑफ द आर एल ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आ गया, ठीक है, या डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द लाइट हाउस आ जाए, ये क्वेश्चन पूछता है। तो अगर वो पूछे डिस्टेंस पूछे तो तब तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है, और अगर कई बार डिस्टेंस दे देगा और इसका आर एल पूछ लेगा, सी पॉइंट का आर एल पूछ लेगा या बी पॉइंट, सी पॉइंट का जनरली आर एल पूछेगा, सी पॉइंट का आर एल पूछेगा तो हमें एच निकालना होगा, तो एच यहां से निकाल लेंगे, डी की वैल्यू पुट कर देंगे और डी यहाँ पे किलोमीटर में है, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब अपने पास ये आ जाता है, लास्ट आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और फिर क्लास को बाइंड अप कर देंगे, क्लियर है। मैंने तो क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख रखा है, ठीक है, मैं बताता जाऊंगा और रीडिंग भरते हुए आगे चलेंगे अपन, ठीक है, पहले रीडिंग भरना देखते हैं, ठीक है। अब जनरली क्या है कि इसके अंदर ये है, फॉलोइंग रीडिंग वर ऑब्जर्व्ड सक्सेसफुली विद ए लेवलिंग, देखो मेरे पास स्लाइड छोटे होने से की वजह से मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है। The following reading were observed successively with the leveling instrument. The instrument was shifted after 5th and 11th reading. Instrument shift हो रहा है 5th and 11th reading के बाद में, ठीक है, इसमें ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, और ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, एक तो 5th reading के बाद में instrument की position बदल रही है और एक 11th के बाद में बदल रही है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है। अगर ये नहीं बोला हुआ होता तो भी कैसे करते, वो भी मैं अभी तुम्हें बताता हूं। अब ठीक है, जनरली हमें पता है कि स्टाफ की रीडिंग, जो स्टाफ आता है वो 3 से 4 मीटर की हाइट का आता है जनरली, पहली बात ये ध्यान रखना है, ठीक है, किसी बात ध्यान रखनी है। अब हमें पता है कि फर्स्ट रीडिंग कहां पे आती है, फर्स्ट तो बिना आंख बंद करके माता रानी का नाम लेके, भोलेनाथ का नाम लेके और सीधा लगा दो बैक साइड के अंदर 0.585, ठीक है, बैक साइड में आ गए, ठीक है। अब हम 1 से B की तरफ आए, 1 से 2 की तरफ आए, तो अब उसने बोल दिया 1 से 2 पॉइंट आए तो यहां पे आ गई 1.010, ठीक है, फिर से डिग। अब यहां से ये है, यहां पे पॉइंट है, सॉरी, ठीक है। अब ये तो अपन को दे दिया कि 5th रीडिंग के बाद में स्टाफ रीडिंग चेंज हो रही है, तो 5th को मैं डायरेक्ट 4 साइड में लिख दूंगा और बाकियों को सारा को किस में रख दूं, इंटरमीडिएट साइड में रख दूं, ठीक है, इतनी सी बात है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता होता ये चीज कि इसमें यहां पे 5th पे पोजीशन चेंज कर रहा है,
तो उसके लिए पहली बात तो वो क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, चेंज पॉइंट। जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया कि फिफ्थ और इलेवंथ के बाद में पोजिशन वो क्या है, चेंज पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा वो बोलेगा कि स्टाफ की हाइट कितनी है, 3 मीटर है या 4 मीटर है, ठीक है, स्टाफ की हाइट बता देगा, ठीक है। चौथा, अगर वो कुछ भी ना बताए, अगर ये मान के चलो हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बैक साइड में रीडिंग लिखी, ठीक है, सेकंड अपन ने इंटरमीडिएट साइड में लिखी, थर्ड भी अपन क्या करते हैं 1.735, ये भी क्या है इंटरमीडिएट में लिखी, फिर है 3.295, ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट में लिखी, फिर अपन ने क्या किया 3.775 भी इंटरमीडिएट में लिखी, फिर अगर अपन 6 पे जाते हैं तो 6 की रीडिंग देखी कि अपन ने देखी कि 0.350 है, मतलब क्या हुआ, चेंज आया है एकदम से, इतना वेरिएशन आ गया कि रीडिंग चेंज हो रही थी एकदम से इतना चेंज आ गया, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टाफ, फिर उसके बाद में वापस वैल्यू इंक्रीज होने स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक बात समझ में आती कि स्टाफ की क्या होती, 4 मीटर की हाइट होता, तो इसके बाद में क्या होगी, इस पॉइंट के बाद में आगे स्टाफ की रीडिंग क्या है, 4 मीटर से इसके ऊपर बड़ी रीडिंग आएगी तो स्टाफ पे आएगी नहीं, इसलिए अपन ने चेंज कर लिया, ठीक है, सडन वेरिएशन आ गया, तो इसको क्या कर दिया अपन ने, इस 0.30 को यहाँ पे लिखा, ठीक है, 0.350 यहाँ लिखा, ठीक है। अब हमें पता चला था कि ये रीडिंग तो अपनी लास्ट थी उस पॉइंट से, तो ये कहाँ चली जाएगी, फोरसाइट में चली जाएगी, ठीक है, तो फोरसाइट में भेजने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको इसको क्या है, फोरसाइट में लिख देंगे, ठीक है, यहां पे ये किस में आ जाएगी, फोरसाइट में आ जाएगी, फोरसाइट में कितनी आ गई, 3.775, क्लियर, ठीक है। फिर यहां पे आ गई 0.35, फिर यहां पे वापस में वही फंडा 1.395, फिर आ गया रीडिंग अपने 2.575, ठीक है, और फिर आ गया 3.375, ठीक है, और फिर अपने क्या आ जाती है, वापस 11 पे पोजीशन चेंज हुई है, तो ये क्या होगी, फोर साइड में चला गया, तो यहाँ पे 3.895, और यहाँ पे ये इसके ऊपर 12 पॉइंट पे नई रीडिंग आई, तो ये किस में चली जाएगी, बैक साइड में, ठीक है, यहाँ पे आ गई 1.735, ठीक है, तो ये किस में आ गई अपने पास, यहाँ पे फोर साइड में आ जाएगी नेक्स्ट रीडिंग 0.635, और ये अपने क्या है, लास्ट रीडिंग है, लास्ट रीडिंग किस में चली जाएगी, फोर साइड में 1.605, बस हो गया टेबल, इसमें लिखेंगे ना, हाँ बिल्कुल फोर साइड में लिखेंगे पुष्पेंद्र, ठीक है, लिख दिया था, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, लिख दिया। अब उसके बाद में आती है अपनी, अब इसमें क्या करते चलेंगे, राइज एंड फॉल करते चलेंगे। अब यहां से देखा कि रीडिंग कितनी है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब क्या आएगा, फॉल आएगा, ठीक है, इंक्रीज हो रही है तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा, अब इस पॉइंट का आरएल हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस लेंगे, अब मेरे पास केएलसी है और मैंने सोल्व कर रखा है, तो आप लोग भी केएलसी लेके बैठ जाइए और सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें यहां से यहां तक आने में क्या हुआ, रीडिंग क्या हुई, इंक्रीज हो रही है, तो मतलब फॉल आ गया, कितना आ गया, 0.425 का आ गया, ठीक है। फिर इस पॉइंट से यहां तक आए तब भी क्या आ रहा है, राइज आ रहा है, रीडिंग इंक्रीज हो रही है, रीडिंग इंक्रीज हो रही है मतलब क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0.725 का फॉल आ गया, ठीक है। अब फॉल आया तो मेरे पास ये आरएल था, तो फॉल आया तो माइनस कर देता हूं मैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा मेरा, 136 माइनस में 0.15 आ गया। अब यहां पे फॉल आया तो इसमें से निकाल दूंगा, इस रीडिंग में से माइनस कर दूंगा, तो कितना आ गया मेरे पास, 135.290 आ गया, क्लियर है, ठीक है। फिर आता है मैं यहां पे आया, इस यहां से देखा तो यहां पे भी रीडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मतलब क्या आएगा, फॉल आएगा, फॉल कितना आ गया, इनका दोनों का डिफरेंस ले लिया, 1.560 आ गया, ठीक है, डिफरेंस ले लिया, ओके। फिर ये रीडिंग इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 133.730, ठीक है।
अब यहां से मैंने यहां तक आया, इन पे देखा तो रीडिंग फिर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या आएगा, फॉल आएगा। फॉल कितना आएगा, 0.480, और इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 133.250। ये राइटिंग के लिए यार देख लेना, राइटिंग थोड़ी सी बहुत ज्यादा खराब आ रही है पेंडेम की वजह से। तो यहाँ पे अपना क्या है, पॉइंट भी चेंज हुआ है, तो इससे मैं क्या बोल दू, चेंज पॉइंट बोल दू, सीपी बोल दू, क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब यहां से यहां देखा क्या हो रही है, रीडिंग मेरी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब क्या आएगा, फॉल आएगा, कितनी रीडिंग इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है मेरी 0.950, ठीक है, क्लियर है। फिर इसमें से ये माइनस कर दूंगा, जब तक फॉल आ रहा है माइनस करता चलूंगा, 1.32 माइनस में 300 आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना है, रीडिंग फिर इंक्रीज हो रही है मतलब फॉल आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.495 आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें से माइनस कर दूंगा, प्रीवियस आर एल में से माइनस करता हुआ चल रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना 131.805 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, रीडिंग फिर इंक्रीज हुई मतलब फिर फॉल आ रहा है तो कितना आ गया, 0.780 आ गया, ठीक है। फिर इनका माइनस कर दिया तो कितना डिफरेंस आया, 131.025 आ गया, क्लियर है, ठीक है। फिर यहां से इन दोनों का डिफरेंस लिया, फिर रीडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो मतलब फॉल आ रहा है, कंटिन्यूसली फॉल ही आ रहा है, ठीक है, 0.800 आ गया, ठीक है। तो यहां से इन इसमें से ये डिफरेंस माइनस कर दिया तो अपने पास आ जाएगा 130.225, क्लियर है, ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, फिर रीडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब फॉल आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 0.520 आ रहा है। फिर ये क्या कर देंगे, प्रीवियस आरएल में से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 129.705, ठीक है। अब यहाँ पे आके वापस क्या है, रीडिंग चेंज हो रही है तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, सीपी मतलब चेंज पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद में इंक चेंज करता हूं मैं, एक मिनट, शायद यहाँ मेरी इमेज आ रही है ना, फोटो आ रही है, उसकी वजह से हो सकता है आपको ढंग से दिखाई ना दे, इसलिए इंक चेंज कर, ठीक है। तो यहां से आगे चेंज पॉइंट आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, रीडिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है मतलब क्या हुआ, ये पहली रीडिंग है जहां डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, राइज आ रहा है, ठीक है। तो राइज कितना आ रहा है, यहाँ पे उसका राइज आ गया 1.100 राइज आ गया, ठीक है, राइज आ रहा है तो इस प्रीवियस आर एल में क्या कर दूंगा, इसको एड कर दूंगा, एड कर दूंगा तो नया आर एल मेरे पास आ गया 130.805 आ गया, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन, फिर यहां से यहां आए, फिर क्या आया, रीडिंग इंक्रीज हो गई, रीडिंग इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, फॉल आ गया, फॉल आ गया तो यहाँ पे कितना आया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, 0.970 आ गया, तो ये प्रीवियस आरएल में से ये माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया मेरा, 129.835 आ गया, ठीक है। अगर मैं राइज का सम करूंगा तो राइज का तो मेरे पास कितना आ गया, 1.100 आ गया, ये नीचे क्या है, समेशन लिखा हुआ है ना सबका, बैक साइड का समेशन कितना है, 2.670, ठीक है। और इंटरमीडिएट का हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें चेक लगाना नहीं है, और इसका आ जाएगा 9.2, इतना तो नहीं आएगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 3.895 इतना ही आ जाएगा, 9.2875 आ गया, ठीक है। और यहाँ फॉल का सम आ जाएगा 3.705 आ जाएगा, और इसी के साथ में अब अपन चेक लगा लेंगे, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस में फोर साइड कर लेंगे,
राइज माइनस में फॉल कर लेंगे और लास्ट आरएल माइनस में फर्स्ट आरएल कर लेंगे तो इनका डिफरेंस कुछ आएगा माइनस का 6.605। और इसी के साथ में ये अपना क्या होता है, राइज एंड फॉल कंप्लीट होता है। और इसी सेम क्वेश्चन को आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, इसी सेम क्वेश्चन को आप क्या करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से करके सॉल्व करके देखना। अगर उसमें भी कोई डाउट रहती है तो आप मेरे को कल की नेक्स्ट क्लास में बता देना, तो मैं उसमें आपको इस क्वेश्चन को करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड Devan10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।